नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई का जो अभी पैटर्न चल रहा है, क्लर्क का ओपीओ का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी तक क्लर्क का एग्ज़ाम था मार्च अप्रैल में, उसको जून में उसने पोस्टपोन्ड किया, पूरी तरह कैंसिल कर दिया। एक ऑलरेडी वो बहुत ही लेट आया है, 1 साल के बाद आया है, 1 साल का जो गैप है उसके बाद आया, उसके बाद भी उसके बावजूद भी उसको कैंसिल करके अप्रैल मई से मार्च अप्रैल से लेके उसको जून में किया गया है। और पैटर्न में चेंज देखा गया है क्लर्क के प्री में। ये सब के कारण जो इसके पीछे है, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये जो केस हुआ था पिछले बार एसबीआई पीओ में, जो केस हुआ था कि डीआई में 0 आने के बावजूद भी सेक्शनल कट ऑफ अचानक से हटा दिया गया और उन लोग को जीडीपीआई में बुला लिया गया, जिसके कारण उनका सिलेक्शन भी हो गया। वो स्टूडेंट्स रह गए जिन्होंने हर सेक्शन में अच्छा किया, वो स्टूडेंट्स रह गए सिलेक्शन से। और वो स्टूडेंट जिन्होंने एक सेक्शन में 0 पाया, वो आज आज के डेट में वो एसबीआई पीओ बन के बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे जो कारण है, इसके ऊपर केस चला और वो केस चल रहा है, उसके लिए जो रिजल्ट्स के अवेटेड है, रिजल्ट्स अवेटेड हैं उसके लिए। तो जो स्टूडेंट्स ने केस किया उसके अगेंस्ट, तो उसके कारण जो एसबीआई के जो पीओ का एग्ज़ाम और क्लर्क का एग्ज़ाम, इसमें इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न तो यही है। अब मैं बता दूं आप लोग को, जो ये फ़ायदा मिला है, आप लोग इसको नेगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव लीजिए। ये जो जून में गया है पेपर, आप लोग का जो पेपर जून में गया है उसके उसके उससे क्या होगा, आपके जो 35 क्वेश्चन को 20 मिनट में करना है आपको, मैथ्स का क्वेश्चन, उसके लिए आप लोग को काफ़ी टाइम मिल गया है कि आप लोग को कैसे अपने आप को हैंडल करना है कि 35 क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में ख़त्म करना है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग जो रहेंगे उसको 20 मिनट में ख़त्म करना है। तो आपका स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कट ऑफ अभी भी कम नहीं जाएगा, कट ऑफ अभी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत करके इस बार फिर से वो लोग अच्छे ही लाएंगे। तो जिस हिसाब से अभी पोस्ट काफ़ी कम होते जा रही हैं, धीरे धीरे कम होते जाएंगी। बैंक की पोस्ट पहले 15,000 20,000 निकलते थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो पोस्ट को देखा जाए तो कट ऑफ जो है अभी भी ऊपर ही रहेगा, चाहे वो 20 मिनट कर दे या जो भी पैटर्न लेकर आए, लेकिन स्टूडेंट्स उसके हिसाब से प्रिपेयर होते जा रहे हैं तो कट ऑफ तो काफ़ी ऊपर ही रहेगा। तो उसके हिसाब से आप लोग को भी अपने अपने चेंज लाना है। तो आपका ये जो 2 महीना मिला है, अप्रैल और मई पूरा मिला है, और मार्च जो मिला है आप लोग को टाइम, उस टाइम पे आप लोग को अच्छे से मॉक देना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप लोग को 35 क्वेश्चन 20 मिनट में ख़त्म करना है। तो और एसबीआई पीओ का भी अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, हो सकता है अप्रैल में आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाए और एग्ज़ाम्स भी जल्द से जल्द कंडक्ट करा दे। तो ये आप लोग का अभी जो टाइम मिला है आप लोग को 2 महीना 2.5 महीना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और जो भी आप लोग को जो टॉपिक आप लोग को समझना है, कोई नया पैटर्न में कोई भी नया पैट कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है उसको समझना है, तो टॉपिक को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोग को कौन सा टॉपिक समझना है। तो उसके लिए आप लोग को वो टॉपिक पे आप लोग को एक क्लास मिल जाएगा, आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या होता है टॉपिक। अगर टॉपिक आप लोग न्यू कमर्स हैं, आप लोग को टॉपिक जानना है कि टॉपिक होता क्या है, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, रिवर्स सिलॉजिज्म, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि रिवर्स सिलॉजिज्म क्या होता है रीजनिंग में, और मैथ्स में डीआई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आप लोग का अपडेट्स रहेगा एसबीआई के रिलेटेड, उसको मैं डालते रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग को बने रहना है चैनल के साथ, और आगे के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा, मॉक्स अच्छे से लगाइएगा, कौन सा मॉक अच्छा है कौन सा बुक्स अच्छा है इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मैंने कहा, मैंने वीडियो में भी पहले कह चुका हूँ कि अभी आप लोग ऑफलाइन दीजिए ये 1 महीना। अगर आप लोग न्यू कमर है तो ये 1 महीना आप लोग ऑफलाइन दीजिए, जानिए कि क्या होता है पेपर पैटर्न क्या होता है। अभी से ऑनलाइन में पकड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ऑफलाइन ईजी एग्जाम्स में ट्राई कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। 1 महीने का जो है, मैं आपको एक वीडियो बना चुका, 1 महीने का क्या टारगेट होना चाहिए वो टारगेट के हिसाब से चलिए, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, वो पूरा मैंने कह दिया है। और उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर वो एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं तब भी शेयर कीजिएगा, नहीं दे रहे हैं तो वो तब भी शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि अगली बार भर दें वो, कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है एसबीआई, इसमें सैलरी बेसिस है और अच्छा फैसिलिटीज़ भी है, अलाउंसेस भी है, सो इसको भरना चाहिए, जितना जितना मौका मिलता है उतना भर लीजिए ताकि चांसेस बने रहें जॉब मारने के। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।